तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं गूगल सीट के ऊपर। तो गूगल सीट में आज हम पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल के बारे में बात करेंगे। तो हम आते हैं गूगल ड्राइव में, क्योंकि गूगल ड्राइव से ही हम अपना, जैसे हम लोग फोल्डर में जाके फाइल ओपन करते हैं, ऐसे गूगल ड्राइव में जाके हम गूगल सीट की फाइल ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा पी वाली फाइल है, हम इसी को ओपन करते हैं। तो ये हमारा गूगल सीट ओपन हो गया। अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल। देखिए, कॉपी पेस्ट, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा है उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, राइट। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि आपको जो है एक एक फैसिलिटी देता है कि जो कॉपी किया है उसमें उसका पूरा का पूरा पार्ट जो है आप पेस्ट ना करें, उसके कुछ पार्ट को पेस्ट करें। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डेटा बनाते हैं ताकि छोटे डेटा में आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया नेम, और थोड़ा सा व्यू में हम इसको जूम कर देते हैं ताकि, या नेम दिया हमने, हमने यहाँ पे रॉल और यहाँ पे हमने मार्क्स दिया, यहाँ पे हमने देखते हैं पूजा, इसको सिलेक्ट किए नीचे की तरफ ड्रैग कर, सॉरी नीतू रवि उदय और यहाँ पे रौनक, और हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं प्लस B2+1, ठीक है। वन करके आपको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। और रैन बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ भी होता है एक्सेल की तरह। रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है कि आपने दे दिया कि 10 से लेके 90 के बीच का वैल्यू दे, तो 10 to 90 का जो है यहाँ पे वैल्यू दे देगा। फिर हम एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, हम इसकी बॉर्डर दे देते हैं, राइट। अब मैं इसको कॉपी करके किसी और शीट पे या किसी और फाइल पे हम इसको पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट करते हैं जैसा उसे मुस्तरा से आता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल में हमें क्या करना है कि कुछ पार्ट को पेस्ट करना है। जैसे आप देखिए पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल करने पे आ जाता है, या फिर एडिट में भी आपके सामने पेस्ट स्पेशल होते हैं, राइट क्लिक करके भी ला सकते हैं और एडिट मेनू से भी ला सकते हैं। तो एडिट मेनू में हमारे सामने पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल में एक होता है वैल्यूज ओनली, फॉर्मेट ओनली, फॉर्मूला ओनली, तीन चीज समझ रहे। मैं फॉर्मूला ओनली करेंगे तो फॉर्मूला आएगा। अब कुछ बच्चे इसमें सवाल पूछते हैं कि सर फॉर्मूला में यहाँ मार्क्स पे नेम पे फॉर्मूला तो नहीं है, तो फिर क्यों आया। देखिए ऊपर जो इसको जो दिख रहा है आपको, जहां इफेक्ट्स के बाद में जो ये दिख रहा है, जहां पे कर्सर रखते हैं तो उसकी वैल्यू दिखता है, उसको बोला जाता है फॉर्मूला बार, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बार में विजुअल है ना, उसको पेश करता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो किसी तरह का टेस्ट ठीक है। होगा। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू में क्या होता है कि वो फॉर्मूला फॉर्मेटिंग हटाता है और साथ में फॉर्मूला को भी हटाता है, सिर्फ जो वैल्यू सामने दिख रही है ना सिर्फ उसको पेस्ट करता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे से वैल्यू चेंज क्यों हो गई, 11 था वो। रैन बिटवीन फॉर्मूला का काम ही यही है कि जब भी आप अपने सीट पे कुछ एक्शन करेंगे वो अपना वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब होता है क्या है कि हमें बड़े बड़े रिपोर्ट्स मिलते हैं, हम उन रिपोर्ट्स को हम चाहते हैं, जैसे ये देखिए रिपोर्ट है सर, हम चाहते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है इसके अंदर रिमूव हो जाए, मतलब कि फॉर्मूला रिमूव हो जाए। क्योंकि हमें मान लीजिए कि अगर कोई रिपोर्ट हमने बनाई हुई है और रिपोर्ट को मुझे किसी को भेजना है तो दिक्कत क्या होगा सर, फॉर्मूला फॉर्मूला चला जाएगा। चला जाएगा। अब वो किसी और फाइल से, किसी और ड्राइव से लिंक होगा, तो मुझे कॉपी करके कहीं कोई, जैसे मान इसी को देख लेते हैं, हमको कॉपी करके किसी और लोकेशन पे नहीं रखना है, मुझे इसी की फॉर्मूला को रिमूव करना है।
तो आप कॉपी करें और उसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यूज ओनली सिलेक्ट कर राइट यस। उसके बाद अगर आपने इसको कॉपी किया राइट क्लिक यहां पे पेस्ट स्पेशल में आता है फॉर्मेट ओनली, तो इससे क्या होगा सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है और कुछ नहीं। फिर राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल में, यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके और हमारे पास फॉर्मेट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने बोला ग्रेटर देन 50 तो इसकी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, ठीक है yes. अब मुझे इसको कॉपी करना है और इस पे पेस्ट करना है, लेकिन मैं इसका जो पहले से मैनुअल फॉर्मेटिंग है जैसे कि बैकग्राउंड येलो है बॉर्डर है, इसकी जो फॉर्मूले है वो नहीं चाहता हूं, इसकी जो वैल्यू है वो नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहता हूं। तो राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली। उसके बाद ऐसे ही आप यहाँ डेटा वैलिडेशन अभी तो नहीं पढ़ा आगे पढ़ाऊंगा वो कर सकते हैं yes. उसके बाद ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी क्या होगा, अभी क्या है कि ये आपका टॉप टू बॉटम है, मुझे इसको ट्रांसपोज करना है पेस्ट स्पेशल में लेफ्ट टू राइट, हो गया सर यस सर। तो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज का काम राइट यस सर। अब होता है क्या है कि और इसमें कि हमें कभी कभी क्या होता है कि कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना होता है। कॉलम की विड्थ एडजस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो विड्थ है वो हमारी प्रिंटिंग में या फिर विजिबिलिटी में दिक्कत करता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पर हम डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करने से क्या होता है ऑटो फिट हो जाता है, मतलब कॉलम साइज चाहिए उतने बड़े साइज में वो फिट हो जाता है yes. तो इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पेस्ट स्पेशल में यहाँ आता है कॉलम विड्थ ओनली। लेकिन पेस्ट सिर्फ कॉलम विड्थ ओनली करेंगे तो आपका सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होगी डेटा नहीं, तो आप एक बार इसको कॉपी कीजिए और फिर इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर इसके ऊपर से सेम आप कॉपी कीजिए, कॉपी तो था हट गया सॉरी इसमें हट जाता है कॉपी, इसमें राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में आप कीजिए कॉलम विड्थ ओनली, कॉलम की जो विड्थ है वो सिर्फ विड्थ आएगी डेटा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे है सब और स्टैक्ड बॉर्डर, ये सब कुछ आएगा बट बॉर्डर नहीं राइट yes. तो एडिट मेनू बार में हमने आपके साथ पेस्ट स्पेशल के बारे में जिक्र किया। उसके अलावा ये अंडो रीडो है, कंट्रोल जेल कंट्रोल वाई है, कट करता है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये आपका डिलीट का है कि आप रो एंड कॉलम वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं, दिख रहा है सर आपको सर। और मूव मतलब कि मुझे अगर इसको मूव करना है तो मूव जो होता है वो पिक्चर्स पे आता है, इसलिए अभी यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है क्योंकि पिक्चर्स पे यूज होता है। फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी डेटा में कुछ ढूंढना है तो आप कंट्रोल एफ करते हैं, इस तरह से कंट्रोल एफ किया तो यहाँ पे फाइंड आ जाता है yes. तो अगर आप यहाँ पे आते हैं एडिट में फाइंड एंड रिप्लेस में आपको यहाँ पे एडवांस जो है फीचर देता है, ठीक है, वो जो आपने फाइंड कंट्रोल एफ किए वो आपका क्रोम का था लेकिन गूगल से yes. क्या फाइंड करना चाहते हैं उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, ऑल सीट पे करना चाहते हैं दी सीट पे या कि पर्टिकुलर रेंज पे। उसके बाद मैच के मान लीजिए मैंने यहाँ पे पूजा लिख दिया तो आप देख रहे हैं कि पूजा का पी बना है राइट yes. तो अगर मैंने मैच के इस पे क्लिक नहीं किया देखा होगा कि पूजा का पूरा कैपिटल में है या पूरा स्मॉल में है, फिर भी वो रिप्लेस कर देगा या फाइन कर लेगा
यस सर लेकिन अगर मैंने मैच केस कर दिया, अगर पूजा को स्मॉल या पूरा कैपिटल में कर दिया तो फिर आपका फाइन जो है नहीं ढूंढा, काम करें यस ठीक है। ऐसी मैच एंटायर सेल कंटेन, मतलब जैसे कि अभी जैसे पूजा है को भी मैच कर लेगा, पूजा सिंह को भी कर देगा, जो पूजा होना चाहिए चाहे वो अकेले हो या किसी के साथ, यस। लेकिन जब मैच एंटायर सेल पे करेंगे तो क्या करेगा, पूजा से चलेगा तो पूजा ही होना चाहिए, ना पूजा यस सिंह ना पूजा शर्मा, एग्जैक्ट पूजा, एग्जैक्ट पूजा, ठीक है यस सर। यहाँ पे सर्च रेगुलर करके आता है, तो जो रेगुलर जो आप करते हैं वो होती है, और ऑल्सो सर्च विथ इन फॉर्मूलाज, समझे यस सर। कि फॉर्मूला के अंदर जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे मान लीजिए मुझे A1 सर्च करना है या मान लीजिए F10 सर्च करना है, तो ये दिख रहा है आपको सर, तो इसमें भी जाकर सर्च करेगा F10 को, समझे, कैसे समझ में आया कि नहीं सर, यस सर। तो ये आपका सर्च करता है। तो आज मैंने आपका एडिट मेनू बार जो है वो खत्म कर दिया, राइट यस। और व्यू मेनू बार में कोई खास है नहीं, ये आपका फ्रिज पेंस वगैरह जो कि कल समझा दूंगा, और इसके बाद हम इंसर्ट मेनू बार की तरफ चलेंगे, यस ओके ओके सर। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, यस प्रैक्टिस करते रहिएगा, यस सर।